दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसकी किसी भी साधना की सफलता में बड़ी अहम भूमिका है। उपासना और साधना में जितने भी कर्म कांड किए जाते हैं उन सब का मूल उद्देश्य केवल और केवल पात्रता का विकास है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पात्रता क्या वाला है, तो चलिए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में आपको बतलाते हैं कि आखिर पात्रता है क्या चीज। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको पात्रता के बारे में बतलाने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको अपने इस वीडियो में महर्षि कनाद और राजा उदाव्रत की कथा भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चाहे भौतिक जगत का क्षेत्र हो या अध्यात्म जगत का क्षेत्र, दोनों ही जगह पात्रता अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जो व्यक्ति पात्र होता है वही अधिकारी भी होता है, उसी में उस विशेष शिक्षा या योग्यता को धारण करने की क्षमता होती है। दोस्तों, पात्रता को अनिवार्य रूप से आवश्यक इसलिए बताया गया है क्योंकि पात्रता के अभाव में किया गया कार्य अनर्थकारी भी हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है फ्रेंड्स कि कैसे। दोस्तों, जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में पदों के लिए उम्मीदवारों की एक विशेष परीक्षा ली जाती है यह देखने के लिए कि वह उस पद के काबिल है अथवा नहीं, यही उनकी पात्रता अथवा योग्यता की परीक्षा है। आर्मी के एक जवान को बंदूक, तोपे और बारूद आदि हथियार एक विशेष परीक्षण के बाद ही दिए जाते हैं। वही हथियार यदि किसी नौसिखिए को थमा दिए जाएं, तो वह उनसे किसी की रक्षा करने के बजाय खुद का या किसी दूसरे का नुकसान ही कर सकता है। दोस्तों, यह तो हो गई भौतिक दुनिया की बातें। अध्यात्म जगत में भी किसी नवीन साधक को कोई भी शिक्षा देने से पहले उसकी पात्रता की परीक्षा होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अध्यात्म जगत के प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है कि सच्चे गुरु का सानिध्य पाने के लिए निरंतर अपने शिष्यत्व का विकास करे। यदि आप इस रहस्य को भली भांति हृदयम कर सके तो आपको किसी भौतिक गुरु के सानिध्य में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम गुरु को नहीं खोज सकते, गुरु हमें खोजता है। दोस्तों, महापुरुषों का इतिहास देखिए। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को नहीं बल्कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को खोजा था। शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास को नहीं बल्कि समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को खोजा था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को नहीं बल्कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खोजा था। राम विश्वामित्र के पास नहीं गए थे बल्कि विश्वामित्र भगवान श्री राम के पास आए थे, बला और अति बला विद्या सिखाने के लिए। दोस्तों, हमें केवल और केवल अपने शिष्यत्व के विकास करना चाहिए ताकि हम ईश्वरीय सतगुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकें। दोस्तों, पात्रता विकसित करने का मतलब है स्वयं को साधना। जितनी भी तपस्याएं हैं सब इसी निमित्त में की जाती है। इस बात को अधिक गहराई से समझाने के लिए दोस्तों आइए आप सभी को बतलाते हैं राजा उदाव्रत की कथा के बारे में। दोस्तों, एक बार राजा उदाव्रत ब्रह्म विद्या का उपदेश पाने के लिए महर्षि कनाद के आश्रम में पहुँचे। बहुमूल्य रत्न आभूषणों की भेंट देते हुए ब्रह्म विद्या का उपदेश देने की उनसे प्रार्थना करने लगे। महर्षि ने कहा, राजन, मुझे धन की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु यदि तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश पाना चाहते हो तो एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद तुम मेरे पास आना। राजा उदाव्रत लज्जित और निराश होकर अपने महल लौट आए। महर्षि कनाद द्वारा इस तरह तिरस्कृत करके लौटा देने से राजा बहुत क्रोधित थे। वह महर्षि को अनाप शनाप बक रहे थे। तभी उसकी समस्या को समझते हुए मंत्री द्वितीकृति ने कहा, राजन, महर्षि ने यदि आपसे एक वर्ष ब्रह्मचर्य पालन की शर्त रखी है तो वह ब्रह्म विद्या के प्रति आपकी उत्कंठा की परीक्षा लेना चाहते हैं। वह ब्रह्म विद्या के प्रति आपकी पवित्रता को परखना चाहते हैं। अनधिकारी व्यक्ति में ज्ञान को पचाने की सामर्थ्य नहीं होती है, अतः ऐसे व्यक्ति के मनोरंजन के लिए दिया गया ज्ञान समय की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता। अतः आप महर्षि की बात का बुरा ना माने और उनकी शर्त पर खरे उतरें। राजा महर्षि के बात को समझ चुके थे। उन्होंने एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और एक वर्ष बाद महर्षि कनाद के आश्रम में जा पहुँचे। इस बार महर्षि ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, राजन, अब तुम आत्मज्ञान के अधिकारी हो। महर्षि ने राजा को ब्रह्म विद्या की दीक्षा दी। दोस्तों, इस कथा से आप समझ सकते हैं कि आत्म विद्या की प्राप्ति में पात्रता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात को हमेशा गांठ बांध कर आप रख लीजिए कि जब तक किसी इष्ट
या साधना विधि के प्रति पात्रता अर्थात श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, प्रेम, निष्ठा, धैर्य, निर्मलता, जिज्ञासा, एकाग्रता, विनम्रता, चतुर निष्ठा, ब्रह्मचर्य, पवित्रता आदि नहीं होगी, उस इष्ट या विधि के परिणाम मिलने में संदेह है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।